और इस वीडियो क्लास से जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको डिजाइन अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। मैं आपको इसका लेंथ दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज की लेंथ 14 इंच रखी है। 3 इंच की गले की चौड़ाई देते हुए मार्किंग कर लेते हैं ऊपर के साइड। अब इतने ही चौड़ाई पे हम नीचे के साइड 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो मैंने दोनों साइड से मार्क कर दिया। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर लेंगे। ये देख लीजिए, मैंने एक लाइन में इसको बराबर कर दिया। अब गले का लेंथ लेंगे। तो पहले मैं 11 इंच ले रही हूँ, तो मैं पूरा टोटल लेंथ ले रही हूँ, कितना मुझे डिज़ाइन में यूज़ करना है गले का लेंथ। तो देख लीजिए, मैंने 11 इंच पे एक पहले मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से बराबर कर लेते हैं। अब एक 10 इंच पे और मार्किंग करेंगे, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। तो गले पे चलिए 10 इंच पे देखिए एक मार्किंग और कर लेते हैं। ये देख लीजिए, मैंने दोनों मार्किंग कर दी। अब इसको भी बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच का मार्क देते हुए कॉर्नर से हम गोलाई कर लेंगे। मैंने गोलाई का मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो मैंने गले को देखिए आज तक कट कर दिया। मैं ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ और सेम उसका भी गला ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा ब्लाउज को, फिर इसके बाद गले को कट कर दीजिएगा। तो मैंने गला देखिए कट कर दिया है। अब मुझे थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ से देखिए, मैं स्क्वायर साइज़ का मार्क कर ली हूँ और एक पार्ट हम सिर्फ कट करेंगे अस्तर के, मतलब एक साइड के गले को हम स्क्वायर साइज करेंगे, एक साइड का हमारा राउंड में ही रहेगा। तो देख लीजिए, मैंने मार्किंग कर दी है पूरा अच्छे तरीके से और मैंने कटिंग भी कर ली है। अब मैं अस्तर को ले लेती हूँ और इस पे देखिए 1 इंच का जो है गोलाई, सॉरी 1 इंच का गैप देते हुए मार्क करेंगे। तो देखिए, जिस साइड से मैंने राउंड करके डिज़ाइन बनाया है गले में, सेम उसी साइड से मैं 1 इंच का एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा हम अंदर के साइड जाएंगे। 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच अंदर के साइड ले लीजिएगा। अब मैंने देखिए पूरा मार्किंग कर दी। अब इसको मैं बराबर कर ले रही हूँ। मैंने बराबर भी कर ली, यहाँ से आप बराबर कर दीजिएगा। अब चलिए मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो जहाँ से मैंने मार्क किया था सेम उसी जगह से देखिए मैं कट कर रही हूँ इसको। तो ये देख लीजिए, ये मैंने गले को अच्छे तरीके से पूरा कट कर दिया है। अब चलिए मैं आपको इसका स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो मैं ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ। कि मैंने ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है, अब इसका मैं स्टिचिंग करूँगी। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर रख लीजिए एक दूसरे के साथ और फिर पूरे गले को स्टिच कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, पूरा गला स्टिच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट करके निकाल दीजिएगा। अब मैंने पूरा फैब्रिक कट करके निकाल दिया। मैं इस पर कट्स लगा ले रही हूँ। जब इसे उलट कर सीधा करेंगे तो कट्स लगाने पे हमारा गला बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है कटिंग करके। अब मैं इसे उलट कर सीधा कर देती हूँ। तो ऐसे आपको भी करना है। तो कॉर्नर के साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से सीधा कर लीजिएगा और इसके बाद पूरा हम गले को पे एक सिलाई लगा देंगे। तो मैंने कम्प्लीट ही देखिए पूरा गले पे सिलाई लगा दी है। अब मैं इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग करूंगी। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की हम स्टिचिंग कर लेंगे।
ये देख लीजिए मैंने पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर ली है। अब चलिए मैं आपको इसका एक्स्ट्रा जो डिज़ाइन करना है वो बताती हूँ कैसे किया जाएगा। तो मैंने जो एक कटिंग की थी इसमें डिज़ाइन बना के आपको दिखाते हैं। तो मैंने ये देखी ये फैब्रिक ले लिया, इसको मैं डबल फोल्ड करते हुए एक चौड़ी सी पट्टी स्टिच कर देती हूँ जिससे मुझे बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाना है। तो पहले आप भी पट्टी स्टिच कर लीजिएगा, आपको जितना चौड़ा बटरफ्लाई पतला या चौड़ा बनाना आप उतना पट्टी चौड़ी या पतली स्टिच कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने स्टिच करके कट कर दी, अब इसको मैं उलट कर सीधा कर लेती हूँ पट्टी को। तो ये देखिए मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है, हाथों के साथ थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। मेरी पट्टी बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं जो इस डिज़ाइन को ले लेती हूँ ब्लाउज़ के, इसके नीचे आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिएगा या फिर देखिए मैं बुक का पेज यूज़ कर रही हूँ, आप न्यूज़पेपर ले लीजिएगा और बिल्कुल बराबर में रखते हुए गले पे मार्किंग कर लीजिएगा गले का। तो चलिए मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ कैसे मार्क किया जाएगा। थोड़ा सा अंदर के साथ एक्स्ट्रा पेपर डाल के रखिएगा क्योंकि मैं स्टिचिंग में भी यूज़ करना है पेपर को। तो मैंने पूरा मार्किंग कर दी इसका, देख लीजिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टिचिंग में डालना है। तो मैंने बिल्कुल बराबर में लिया था ब्लाउज़ के। अब 2 इंच पे जो हम एक मार्किंग ले कर लेंगे, सॉरी 1.5 इंच पे। देखिए 1.5 इंच पे मैं एक मार्किंग कर लेती हूँ, जितना आपका स्टिचिंग के बाद आया हो गैपिंग उतना आप रखिएगा। तो देखिए मैं पूरा मार्किंग करके इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ। अब यहाँ से हम कट कर देंगे इसको और नीचे के साइड 1/2 इंच पे जो स्टिचिंग के लिए ज़रूर पेपर रखिएगा तभी ये स्टिच हो पाएगा। तो देख लीजिए मैंने पेपर को पूरा कट कर दिया है। अब इस पर मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। तो कैसे इस पर डिज़ाइन बनाया जाएगा, देखिए मैंने जो भाई पट्टी स्टिच की थी उसको इसके बराबर में ले लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा क्योंकि हमें जो बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाने के बाद ये थोड़ा सा इसमें कपड़ा और लगता है, इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा थोड़ा सा बिल्कुल ले लीजिएगा और एक्स्ट्रा। अब इसी बराबर में आप कट कर लीजिएगा, मैं आपको साइज़ करके दिखा देती हूँ। तो मैंने देखिए 3 इंच पे पट्टी को ली है और मेरी जो ये पेपर का पट्टी है ये 2.5 इंच पे है। तो देख लीजिए मैंने पूरा ले लिया है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। एक बराबर में बिल्कुल आप भी फोल्ड कीजिएगा जैसे मैंने किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने पूरे पट्टी को कट कर दिया है, अब इस पे हम डिजाइन बना लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए बिल्कुल बराबर करते हुए हम पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो पहले देखिए मैं गले के साइड से पट्टी को स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आपको भी करना है। तो बिल्कुल बराबर में एक दूसरे से मिलाते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो देख लीजिए मैंने पूरा जो स्टिच कर दिया है एक साइड से मेरा कंप्लीट है। दूसरे साइड से देखिए थोड़ा सा मैं कपड़ा एक्स्ट्रा बीच में रखते हुए फिर स्टिचिंग करूँगी दूसरे साइड से। तो मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ मुझे कितना मैं कपड़ा रख रही हूँ बीच में, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं कपड़ा बीच में रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा बीच में। ये देख लीजिए मैंने इस साइड से बिल्कुल कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं आपको आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। तो गले के साइड से मैं पाइपन करना है, तो मैं आपको पाइपन करके दिखा देती हूँ। तो मैंने देखिए फैब्रिक ले लिया है, इसको मैं तिरछे में कट करूँगी क्रॉस कटिंग, क्योंकि ये कपड़ा तब स्ट्रेचबल रहेगा थोड़ा सा और पाइपन बनाने में हमें अच्छा रहेगा। तो पाइपन के लिए क्रॉस कटिंग ही कपड़ा किया जाता है। ये देखिए मैंने इसको ले लिया है पट्टी को, अब इसको डबल फोल्ड करते हुए पहले हम गले पे पूरा स्टिच कर देंगे।
ये देखिए मेरे गले भी पूरा ये स्टिच हो चुका है। अब इसको मैं गोल करते हुए पूरा पाइपर बना लेती हूँ गले पे। देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पाइपर बना लिया है। अब मैं आपको ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ, दिखा देती हूँ। ये देखिए यहीं पे डिज़ाइन इसको स्टिच किया जाएगा। अब पहले मैं एक साइड से इस पर लेस लगाऊंगी, तो कैसे मैं लेस को लगा रही हूँ डिज़ाइन करके आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे आप भी कीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने ये लेस लगा लिया है, तो यहाँ पे मुझे अभी सिंगल लेस ही लगाना है। डिज़ाइन के बाद हम और जो डेकोरेशन करना है वो करेंगे। तो चलिए मैं अभी डिज़ाइन जो मैंने बनाया उस डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर में रख लीजिएगा और ब्लाउज के साथ में स्टिच कर दीजिएगा। तो हमारा डिज़ाइन जो है पूरा 2 इंच का आएगा सिलने के बाद। ये देख लीजिए मैंने पूरा डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं इस डिज़ाइन के कॉर्नर के साइड से ब्लाउज का गला जो है उस पर लेस लगा लेते हैं। जहाँ से कॉर्नर था वहाँ से देखिए मैं फोल्ड करते हुए लेस को स्टिच किया, ऐसे आपको भी करना है तभी ये कॉर्नर अच्छे से आ पाएगा। तो दोनों साइड से बिल्कुल मैं लेस को स्टिच कर लेती हूँ अच्छे से। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा लेस स्टिच कर दिया है डिज़ाइन पे। अब चलिए मैं जो अभी ये पट्टी वाला डिज़ाइन बनाई हूँ इसके बीच में मनी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये मैंने गोल्डन कलर की छोटी वाली मोती ले लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसका बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाया जाएगा। तो बीच में देखिए मैं थोड़ा थोड़ा कपड़े को फंसाते हुए कैसे बना रही हूँ, मैं आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखते रहिए वीडियो को और एक मोती लगा लीजिएगा बीच में, फिर नीचे के साइड से धागे को लॉक कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और लगा के बना के दिखा देती हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये देख लीजिए मैंने 3 आपको बना के दिखा दिए हैं। इसी तरीके से जितने पूरे डिज़ाइन मैंने बनाए हुए हैं पट्टी वाली सब पे हम मोती को लगा लेते हैं। तो देख लीजिए तो मैंने देखिए पूरा मोती लगा लिया है डिज़ाइन पे, मेरा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अब जो मैंने पेपर लगा के डिज़ाइन को बनाया था इसको निकाल दीजिएगा अच्छे से, जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा ये वॉश करने के बाद निकल जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल मेरी डिज़ाइन कंप्लीट है। अगर आपको मेरी ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज को अगर आप परचेज करना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी design.22 को फॉलो कर लीजिए। जो मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,
वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं और कोई भी डिजाइनर ड्रेस परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।